कैनेडियन इमीग्रेशन यानी कि आईआरसीसी ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि टू स्टेप वीजा प्रोसैस सिर्फ उन्होंने एप्लीकेशन से लागू होंगे जिड़िया का कोर्स स्टार्ट डेट साल 2020 या और प्लस 15 सितंबर तो पहला एप्लीकेशन हाई कमीशन दे विच लॉज हुई है। सो जे तुहाडी एप्लीकेशन 15 सितंबर तो बाद लॉज हुई है या जनवरी का इनटेक है अगले साल का, तुसी टू स्टेप वीजा प्रोसैस लई बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो, स्टैंड नहीं करते। बड़ा क्लीयर कर दिता कैनेडियन इमीग्रेशन ने परसों के वैबिनार च कि हुण सिर्फ वीजा स्टैंप होणगे, पासपोर्ट सबमिशन की चिट्ठियां आऊगियां, AIP या टू स्टेप वीजा प्रोसैस का जिहड़ा सिस्टम है वह नहीं फॉलो किया जाएगा। सो कोई भी स्टूडेंट जिहड़ा अगों की अप्लाई करता उहदे पासपोर्ट सबमिशन की लैटर आऊगी या बायोमैट्रिक्स की लैटर आऊगी या वीजा स्टैंप होकर आऊगा जे तुहाडे सारे कागज पूरे ने। AIP और टू स्टेप प्रोसीजर ये पास्ट दीयां गल्लां हो गईयां, ये इन्हां ने बिल्कुल नल एंड वॉयड कर दित्तियां होईयां। हुण असी वापस उस चीज़ ते जिथे कैनेडा नॉर्मली जिस तरीके नाल फंक्शन करता सीगा, जो नॉर्मल प्रोसीजर सीगा कि सिर्फ वीजा ग्रांट होएगा या वीजा रिफ्यूज होएगा, बट कोविड सिचुएशन करके कुछ फ्यू चेंजेस जिहड़े हैगे आ उह अज वी लागू ने, जिवें कि एक लिस्ट बनी है कॉलेजेस दी DLI लिस्ट जिहनूं कहिंदे हैगे आ, नवी लिस्ट दे विच उह सारे कॉलेजेस ने वक्रे वक्रे प्रोविंसेस दे जिहदे विच स्टूडेंट ट्रैवल कर सकदा, कि जे उहनां कॉलेजां दे विच तुसीं दाखला लिया और उहनां कॉलेजां दे बिहाफ ते तुहाडा वीजा ग्रांट होया, दैन ओनली यू कैन ट्रैवल टू कैनेडा, अदरवाइज हजे तुसीं ट्रैवल नहीं कर सकदे। पर इस सारी चीज़ के नाल होर चीज़ां जिहड़ियां नाल काउंट होंदियां, नंबर 1 VFS हजे तक नहीं खुले, सो दैट मीनस जे किसी भी स्टूडेंट की बायोमैट्रिक पेंडिंग है तुहाडा लिस्ट च कॉलेज का नाम हैगा उहदे विच या नहीं हैगा, तुसीं उन्नी देर ट्रैवल नहीं कर सकते जदों तक तुहाडे बायोमैट्रिक्स नहीं होंदे VFS खुलन तो बाद। नंबर 2 तुहाडा हजे तक पासपोर्ट सबमिशन की चिट्ठी नहीं आई, जे तुहानू पासपोर्ट सबमिशन की चिट्ठी हजे तक नहीं आई, जदों तक वीजा स्टैंप नहीं हुंदा उस पासपोर्ट के उत्ते, वीजे की स्टैंप नहीं लगती उदों तक वो ट्रैवल पॉसीबल नहीं हैगा, सिर्फ AIP दे बेस ते तुसीं ट्रैवल नहीं कर सकते। अज की डेट के ट्रैवल सिर्फ उन्हां स्टूडेंट्स का शुरू हो जूगा जिहड़े स्टूडेंट्स का बायोमैट्रिक्स पहला होया होया, मैडिकल होया होया, अंबैसी दे कोल जिहड़ी लिस्ट उन्होंने नवीं बनाई है तुहाडे कॉलेज का नाम उस लिस्ट च हैगा, तुहानू पासपोर्ट सबमिट करान दी रिक्वेस्ट आएगी, वीजा स्टैंप होके आएगा एंड दैन यू विल बी एलिजिबल। सो थोड़ा जिहा कॉम्प्लीकेटड सिस्टम है, बट बड़ी क्लैरिटी के नाल उन्होंने दसता कि बायोमैट्रिक्स ते मैडिकल ते होर सारिया चीज़ों का कित्थे कित्थे की रोल है, किहड़ा स्टूडेंट नू वीजा ग्रांट करांगे, किहड़े स्टूडेंट नू रिफ्यूज करांगे और किहड़े स्टूडेंट नू ट्रैवल करन दी परमिशन मिलेगी। देखो हाई कमीशन ने जिहड़ी लिस्ट पब्लिश कीती है उन्होंने बड़ा क्लीयर करता कि ट्रैवल वो करूगा या वीजा ही उस बंदे नू स्टैंप होकर मिलेगा जिहदे कॉलेज का नाम उस लिस्ट विच हैगा। जे तुहाडे कॉलेज का नाम उस लिस्ट विच नहीं हैगा तो हाई कमीशन ने बड़ा क्लीयर किया कि दो ऑप्शनस ने, फिर पहली जे तुहाडे प्रोफाइल दे विच प्रॉब्लम है एलिजिबल नहीं हो, दे विल रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन एंड सेंड इट बैक। जे तुसीं एलिजिबल हो बट तुहाडा कॉलेज उस लिस्ट विच नहीं हैगा, तुहाडी एप्लीकेशन ऑन होल्ड पै जाएगी, हाई कमीशन दे विच पई रहेगी जिन्नी देर तक तुहाडा वो कॉलेज उस लिस्ट विच नहीं आता। बड़ा क्लीयर उन्होंने किया कि यह ऑनगोइंग प्रोसैस है, 15 दिन बाद हर 2 हफ्तों बाद वो लिस्ट नू अपडेट करनगे, सो दैट मीनस 2 टाइम्स इन अ मंथ वो लिस्ट अपडेट होगी, उस कम्यूनिटी कॉलेजेस भी ने, उस प्राइवेट कॉलेजेस भी ने, और चंगी गल की है बहुत सारे कॉलेजेस उस इदा के ने जिहड़े ओम ग्लोबल रीप्रजेंट करता। सो जदों लिस्ट अपडेट हो जाएगी और तुहाडा कॉलेज दोबारा उस लिस्ट विच आ जाएगा, दैन ओनली योर प्रोसैस विल बी स्टार्टेड। रिफ्यूजल लैन लई उस लिस्ट की लोड़ नहीं हैगी, बट वीजा लैन लई इट इज़ मैंडेटरी कि तुहाडे कॉलेज का नाम उस लिस्ट विच होना चाहिए। हर वो बच्चा जिहड़ा पहला एलिजिबल सीगा वो अज भी एलिजिबल है अपलाई करन लई। जे मैं अपनी गल कर लाँ, वी एज एन ऑर्गनाइजेशन वी विल एक्सैप्ट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू, जे तुहाडे IELTS दे विच 6 बैंड ओवरऑल ने, किसी एक मॉड्यूल चो 5.5 बैंड ने,
इस तो कट बैंड दे उत्ते भी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाती है, बट असी अप्लाई करन दा काम नहीं करना, वीजा लैन दा काम करना। सो वीजा जे लेना 6 बैंड ओवरऑल, एक च 5.5 चल जूगे, 6 ईच दे नाल तुसी SDS कैटेगरी दे विच अप्लाई कर सकते हो। एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेजेस दा ये कहना है कि गैप किन्ना एक्सेप्ट होना चाहिए। जेकर तुसी अपना 2 साल का 4 साल का गैप जस्टिफाई कर सकते हो इमीग्रेशन नू, एम्बेसी नू, इहदी कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुसी उस टाइम ड्यूरेशन की किया। यू हैव टू टैल के हुन तुसी क्यों पढ़ाई करन जाना चाहते हो, हुन की रीज़न हैगा ये चीज़ करन दा। रिफ्यूज्ड केसिस, बहुत सारे केसिस इदा दे ने जिहड़े वक्रे वक्रे एजेंट्स तो, वक्रे वक्रे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो बेवकूफ़ां वाले रीजनस करके रिफ्यूज़ होए आ, अनगैलियां करके रिफ्यूज़ होए आ, केयरलैसनैस करके रिफ्यूज़ होए आ। उस सारे केसिस वेलकम ने जे तुहाडे 6 ओवरऑल बैंड हैगे आ। अपनी रिफ्यूजल लैटर डॉक्यूमेंट चुके आ जाओ, वी विल प्रोसैस दोज केसिस। रिफ्यूजल वाले नू एक घबराने की लोड़ नहीं, अनलैस तुहाडे बैन नहीं लगा। रिफ्यूजल वाले नू फिर घबराने की लोड़ नहीं कि की मेरा दोबारा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड, USA, इन चारा कंट्रियों तो भी कोई रिफ्यूजल हैगी है, उदा भी कोई इफेक्ट तुहाडी एप्लीकेशन ते नहीं पैना। यस, यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई। स्पाउस वीज़ा, हसबेंड वाइफ कट्ठे नहीं जाते कैनेडा दे विच, जे तुसी जाना चाहते हो, पहला मेन एप्लीकेंट का वीज़ा अप्लाई हुंदा, फिर तुहाडे डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई हुंदा ओपन वर्क परमिट के दौरान, जिन्हों स्पाउस वीज़ा कहने, बाद दे विच ओ ट्रैवल करता है। इस तो अलावा मेजर चीज़ जिहड़ी देखी जाती है कि तुसी किहड़े कोर्सेस पहला पढ़े सी, किहड़े कोर्सेस हुण पढ़े है, अकैडमिक स्कोर की तुहाडा। एडमिशन तो 40% वालेयां नूं भी मिल जाती है, पर मकसद वीज़ा लैण दा। सो जे 50% 60% 70% जिन्ने ज़्यादा तुहाडे मार्क्स ने, उन्ने चांसिस ज़्यादा ने वीज़ा लैण दे। बहुत सारे कंसल्टेंट्स अप्लाई कर रहे ने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स दे विच, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स दे विच। आई गरंटी कि किसी का वीज़ा नहीं जो लगना, और कल नूं रिफ्यूजल तो बाद दोबारा वीज़ा लैण दे विच भी चंगी खासी मेहनत करनी पैनी है। सो हर वो स्टूडेंट जिहड़ा एक तरह पहला एलीजिबल सीगा, वो अज भी एलीजिबल है कैनेडा जाके पढ़ाई करन दा। थोड़ियां थोड़ियां चीज़ां जिहड़ियां कोविड करके सिचुएशन दी डिमांड दे नाल चेंज हुई हैं, उन्हां नूं ख्याल रखदे हुए वीज़ा अप्लाई करो। यू विल डेफिनेटली गैट सक्सैस। कि जदों ये कोविड शुरू होया सीगा उदों किसी नूं पता सी कि 6-8 महीने बंद रहूगा सारा कुछ। जे उदों किसी नूं नहीं पता सी ते अज भी किसी नूं नहीं पता कि कदों VFS खुलना और कदों ये ट्रैवल स्टार्ट होना। एग्जैक्टली कोई भी इन्फॉर्मेशन कैनेडियन हाई कमिशन वालों कोई इन्फॉर्मेशन भी डिस्कलोज नहीं हुई कि कदों VFS खोलांगे। जिहड़ा रीसेंट वैबिनार सी उहदे च भी उन्होंने कहा कि वी आर ट्राइंग के जल्दी तो जल्दी खोलिया जाए। दे आर सेइंग वी आर ट्राइंग के जल्दी तो जल्दी इंटरनेशनल ट्रैवल खोलिया जाए, स्टूडेंट नूं बुलाया जाए। बट अल्टीमेटली ये सारिया चीज़ा एक प्रोसैस प्रोसीजर फॉलो करूँगियाँ। जो VFS खुलना होगा दे विल डिकलेयर इट अप फ्रंट के VFS खुलन लगा। उ स्टूडेंट जिदा बायोमैट्रिक होया हो, मैडिकल होया हो, पासपोर्ट की सबमिशन मंग ली, पासपोर्ट से वीज़ा लग गया और लिस्ट DLI चगा, वह बच्चा ट्रैवल करने लिए अज की डेट तैयार है, क्योंकि पहला सिर्फ 18 मार्च तक के बच्चे परमिशन सी। सो मेजर थिंग इज कदों ये सारा कुछ होगा, उदों तक सिर्फ ओपीनियंस ने, उदों तक सिर्फ एक्सपैक्टेशंस ने। जदों तक डायरेक्टली इमीग्रेशन वालों कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी अपडेट या न्यूज़ इस बारे नहीं आती। मैं रीसेंटली किसी एजेंट को कहते सुनिया कि जी अगले महीने तो खुलन लगा जी या अगले हफ्ते तो खुलन लगा। इट हैज़ नॉट बीन डिकलेयर्ड एज ऑफ येट। जिस दिन डिकलेयर हो जाएगा तुसी साडे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, यूट्यूब के उत्ते इहदी अपडेशन पाओगे कि कैनेडा ने VFS खोल दिता है। क्यों नहीं ओम ग्लोबल? क्योंकि जो तुम मैं ये पूछते हो ना क्यों ओम ग्लोबल, तो मेरा तो सवाल लगेगा क्यों नहीं ओम ग्लोबल। इन्ने एक साल का तजुर्बा, इन्ने एक स्टूडेंट के वीज़ा असी लवाए हैं कि तुम अपने आले दुआले नज़र मारोगे, अपने पिंड, अपने शहर, अपने महल, तो शायद तुम कोई ना कोई बंदा, कोई ना कोई स्टूडेंट इदा का जरूर लभ जूगा जिहड़ा साडियां सर्विसिज लैके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा, UK, US, यूरोप या किसी भी होर कंट्री दे विच पढ़न गया। पिछले 15 सालों तो स्टूडेंट्स की एडमिशन, वीज़ा फाइलिंग, प्रोसैसिंग, प्री डिपार्चर काउंसलिंग, पोस्ट लैंडिंग सर्विसिज, शायद ही कोई इदा की चीज़ हो जिद स्टूडेंट की सपोर्ट या हैल्प नहीं की गई। और अज की डेट से सब तो वो चीज़ है कोविड करके बुरा हाल है,
हर कंसल्टेंट हर बंदा हर जगह पैसे की मारो मार पई हुई है। ओमग्लोबल पेमेंट तुम उदो देनी जो तुहाडा वीज़ा लग के तुहाडे हाथ च आ जाता। पहला पैसे लैके 20,000-25,000 प्रोसैसिंग फीस के नाँ पर फंडा के नाँ पर पैसे फीस ट्रांसफर कराने के उत्ते नाँ के उत्ते डॉलरस के वध करंसी एक्सचेंज के नाल पैसे कई तरह दियाँ ठगियां तुहाडे नाल हुंदियां। सो स्टूडेंट आप अज की डेट चाहता कि भाजी पैसे वध लै लो पहला मेरा वीज़ा लवा दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इदा देने जिन्होंने सिर्फ रिफ्यूजल लैटर ही लैन के दो दो चार चार लख रुपए दिते और पैसे कभी भी वापस नहीं आए। सो सब तो पहला जिहड़ा तुसीं ये सवाल मैनू ये पुछया कि क्यों ओम ग्लोबल, उस सवाल का जवाब मेरे लिए मेरे वालों तुहाडे लिए ये हैगा कि क्यों ओम ग्लोबल नहीं। शुक्रिया जी, धन्यवाद।